हेलो एवरीवन माय नेम एस वर्दान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माइग्रेट बेस सो भाई माइग्रेट बेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको किंड गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स मिल जाएगा यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू कैन आस्क फॉर एन टी एस यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स यू कैन आस्क फॉर सीबीसी बोर्ड यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड यू कैन आस्क फॉर एनसीआर टी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट स यू हर्ट दैट वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं कंप्लीट कोर सेट की बात कर रहा हूं कंप्लीट कोर सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नीड टू डू वे कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस सो so आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं तो आज इस वीडियो में आप लोग के लिए मैं हूं एक और नेटवर्क नेटवर्क डिवाइस डिवाइस इज तो के लिए हम लोगों ने क्या कहा कि यार नेटवर्क डिवाइस की जब बात आती है तो सीन ये है कि दो पीसीज को अगर आपने कॉपर वायर से जोड़ दिया इससे काम नहीं चलेगा अगर आपको एक नेटवर्क सेटअप करना है तो आपको क्या चाहिए होते नेटवर्क डिवाइसिस की जरूरत पड़ती है जो वो नेटवर्क सेटअप करने में आपकी हेल्प करते हैं इससे रिलेटेड नेटवर्क डिवाइस से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं आपके लिए ला चुका हूं पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे एक पर वो देख के आइए जिसमें हमने एनआईसी के बारे में सीख लिया आर फोर्टी फाइव के बारे में सीख लिया एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया नेटवर्क डिवाइस के ऊपर और आज हम ऐसे वीडियो में देखने वाले हैं मॉडर्न के बारे में तो बेसिकली मॉडर्न क्या है वट इज दिस मॉडर्न अब देखो यार यारी वर्क वर्क सॉरी जो मॉडर्न वर्ड है मॉडर्न जो वर्ड है मॉडर्न ठीक है मॉडर्न जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है क्यों कन्फ्यूज़ करता है मॉडर्न क्योंकि तो यार हमारे जो रियल लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं उससे कन्फ्यूजन होता है कुछ समय पहले की बात है जब आप मॉडर्न वर्ड यूज़ करते थे ठीक है जो आपको वाईफाई प्रोवाइड करने का काम करता है वाईफाई प्रोवाइड करने का जो काम करता है उसके लिए आप यूज करते थे मॉडर्न वर्ड जो बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है ठीक है उसके बाद कुछ समय बदला फिर आप उसको राउटर कहने लग गए ठीक है अब इसी वजह से क्योंकि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आप मॉडर्म राउटर स्विच गेटवे, वे हाँ हब इन सबको इंटरचेंजेबली यूज करते हो तो दिक्कत आ जाती है समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है यार ये डिवाइसेस है क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है क्या बट इन डिफरेंसेस को क्लियर करते चलेंगे हम एक एक वीडियो में आगे एक डिफरेंस वाला वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम चीजों में डिफरेंस देखेंगे बट फॉर नाउ हम मॉडर्न में और सॉरी मॉडर्न के बारे में सब चीज जानेंगे तो पहले तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि जो आपने मॉडर्न सुना है ये वही है क्योंकि आपका जो मॉडर्न आप यूज करते हो अपने घरों में अगर आपके घर में मॉडर्न लगा हुआ है तो तो बेसिकली वो एक मॉडर्न नहीं है वो एक हाइब्रिड डिवाइस है हाइब्रिड मतलब उसमें मॉडेम भी है उसमें राउटर भी है उसमें स्विच भी है हार्डवेयर मशीन इज डूइंग ऑल ऑफ वर्क ऑफ ऑल दिवाइस उसके अंदर ही मॉडर्न भी है उसके अंदर ही स्विच भी है उसके अंदर ही राउटर भी है तो स्पेसिफिकली आपको मॉडर्न राउटर स्विच इन सबका सेपरेट रोल्स जानना जरूरी है तभी आप इनको समझ पाओगे तो पहले जो आपने राउटर या सॉरी आपने जो अभी मॉडर्न देख रखा अपने घर में उसको निकाल दो दिमाग से अभी फिलहाल हम प्योर मॉडर्न की बात कर रहे हैं मतलब इसके साथ कोई और चीज़ हम मर्ज नहीं कर रहे हैं ये एक हाइब्रिड डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं हम स्पेसिफिक मॉडर्न का ही रोल देख रहे हैं कि मॉडर्न का रोल क्या है ठीक है अब ये मॉडर्न का रोल जानने के लिए हम बढ़ते हैं और आगे और समझते हैं कि भाई क्या है मॉडर्न का रोल? तो बेसिकली मॉडर्न है क्या एक्चुअली तो ये तो सबको पता है यार बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे स्टार्टिंग से कि मॉडर्म का फुल फॉर्म क्या होता है मॉडर्म का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर तो मॉडर्म स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर तो ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना ही है ठीक है ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं अब बेसिकली मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है तो ऐसे डिवाइसेज जो मॉड्यूलेशन करें तो उसको मॉड्यूलेटर कहते हैं ऐसे डिवाइसिस जो डी मॉड्यूलेशन करे उसको डी मॉड्यूलेटर कहते हैं अगर मैं आपका कुछ इवॉल्व करके बताऊं तो स्टार्टिंग से कुछ इस तरीके से था आपका डायलप मॉडर्म और बढ़ते 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 ब्रॉडबैंड मॉडर्म से कुछ बन के आ गया है ठीक है अब बेसिकली ये हम नहीं देखने वाले हैं समझने वाले है कि डिवाइस एक्चुअली करने क्या वाला है ये जो डिवाइस है ये क्या अलग अलग मॉडर्मस है इवॉल्व हो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आगे इवॉल्व होते ही रह रहे हैं ठीक है बेसिकली डिवाइस करने क्या वाला है ये समझने की कोशिश कर रहे हो ठीक है तो बेसिकली ये मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन करने वाला है मतलब इसमें दो फंक्शनैलिटी एक्सेप्ट ऐड कर दी है हमने किस किस की क्या क्या फंक्शनैलिटी तो एक है मॉड्यूलेशन एक है क्या मॉड्यूलेशन एक है डी मॉड्यूलेशन दो फंक्शनैलिटी मॉड्यूलेशन और डी तो बेसिकली एक मॉड्यूलेटर क्या है एक मॉड्यूलेटर वो डिवाइस है या सर्किट है जो मॉड्यूलेशन का काम करेगा और डी मॉड्यूलेटर क्या है सो डी मॉड्यूलेटर वेर इज डी मॉड्यूलेटर अ डी मॉड्यूलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन सॉरी नॉट मॉड्यूलेशन दैट परफॉर्म्स डी मॉड्यूलेशन परफॉर्म्स डी मॉड्यूलेशन तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं तो मॉडम इज मॉड्यटर डी दो काम एक साथ कर रहा है मॉड्यूटर का भी डी मोड्यूलेटर का भी अब मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूटर क्या है एक, एक सर्किट है जो मॉड्यूलेशन करे तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेशन करे तो डी मॉड्यूलेटर अब बेसिकली डी मॉड्यूलेशन और मॉड्यशन क्या है यही हमें समझना है तो चलिए देखते हैं जरा कि मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन क्या है तो अब जो मेन हम फोकस करने वाले हैं वो करने वाले हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्युलेशन में तो जरा देखते हैं क्या है भाई मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इन टू रेडियो एडिंग इन्फॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल ठीक है तो बेसिकली मॉड्यूलेशन क्या होता है तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जो क्या करता है कन्वर्ट करता है डेटा को इनटू रेडियो वेव्स बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल तो एक सिग्नल को बेसिकली वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर, कर करना मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाऊँ तो डेफिनेशन हो गई पूरी सिंपलीफाइड फॉर्म में समझाऊं तो अगर डिजिटल डेटा को डिजिटल डेटा को अगर आपको एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हो या एनालॉग में आप कन्वर्ट करने के लिए कोई मशीन का यूज कर रहे हो ठीक है एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन अब समझिएगा इसको ठीक है सो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा डेटा किस फॉर्म में होगा भाई डिजिटल फॉर्म में होगा डेटा की हम बात कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में ठीक तो है तो डेटा डिजिटल फॉर्म में होगा इन टू रेडियो में होंगे एनालॉग में होंगे तो ये हो गया रेडियो वेव्स तो बेसिकली क्या होने वाला है डिजिटल डेटा डेटा मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज वैल्यूज ठीक है तो यहाँ क्या होने वाली आपकी डिस्क्रीट होने वाली है क्या होने वाली है डिस्क्रीट होने वाली है ठीक है तो डिस्क्रीट होने वाली है तो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है कुछ इस तरीके से आपकी ठीक है सपोज ये ग्राफ बना रहे हो तो इस तरीके से कुछ आपकी होती है है ना कुछ इस तरीके से डिस्क्रीट वैल्यूज होती है आपकी

ये इन्फॉर्मेशन एडिंग टू इन इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टिकल कैरियर इसके ऊपर आपका भी कोई ज्यादा पॉइंट नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल की बात है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ोगे डिटेल में ठीक है मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे आप डिटेल में इस चीज को ठीक है आगे जब जब आप सपोज बी कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वहां पे ठीक है

एक डिवाइस से काम करा रहे हो तो मॉड्यूटर शॉर्ट फॉर्म फॉर मॉड्यूशन या मॉड्यूटर डी मॉड्यटर समझ में आया तो ये है कुछ आपका मॉडर्न आई होपी समझ पाई होगी अब बेसिकली मॉडर्म की जरूरत पड़ी क्यों या इसकी डेफिनेशन क्या है तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन या समझने के लिए चीज है वो ध्यान दीजिएगा

पूरी दुनिया में आपके टेलीफोन लाइंस बिछ चुके थे टेलीफोन लाइंस का जो नेटवर्क है वो बिछ चुका था ठीक है दिक्कत ये थी कि हम नेटवर्क या कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे बट टेलीफोन्स तो कनेक्ट हो ही चुके थे ना यार उस समय लोग बातचीत तो कर ही रहे थे बहुत कॉमन नहीं था आज के तरीके से इतना कॉमन नहीं था बट टेलीफोन लाइंस बिछ चुकी थी ठीक थी। है लोग बातचीत कर पा रहे थे अब बेसिकली प्रॉब्लम ये थी हम ये चाहते थे कि हम उस टेलीफोन लाइन को ही यूज कर सके डेटा ट्रांसफर करने के लिए तो मॉडर्न की जरूरत पड़ी क्योंकि जो टेलीफोन लाइन है वो कौन सा सिग्नल यूज करती है वो करती है एनालॉग सिग्नल और जो हम कंप्यूटर्स को समझाते हैं या कंप्यूटर्स को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो होती है क्या वो होती है आपकी डिजिटल सिग्नल या डिजिटल लैंग्वेज जो जीरो वन समझता है और जो आपकी वायर से टेलीफोन लाइन से वो एनालॉग समझते हैं मतलब वेव समझते हैं ठीक है ठीके? तो यही दिक्कत थी जिसको मॉडर्न ने रिजोल्व किया तो बेसिकली मॉडर्न अलाउज अस टू कंबाइन द पावर ऑफ आर कंप्यूटर विद द ग्लोबल रीच ऑफ द टेलीफोन सिस्टम तो जो हमारे कंप्यूटर्स की मैसिव पावर है जो हमारे पास पावर थी उस समय या अभी भी जो है मॉडर्न हमें अलाउ करता है कि हम वो जो अपने कंप्यूटर की पावर है उसको ग्लोबल रीच से कनेक्ट कर सके टेलीफोन सिस्टम वाली जो ग्लोबल रीच है मतलब टेलीफोन लाइन की ह्यूज ग्लोबल रीच कि यार हर घरों में हर जगह उसकी लिंक है ठीक है तो ग्लोबल रीच जो टेलीफोन लाइन की है उसको हम कनेक्ट कर दें किससे अपने कंप्यूटर की पावर से तो चीजें कितनी गजब तरीके से एक्सपैंड हो जाएगी और हुई भी आपके सॉरी आज की दुनिया में अभी आप देख ही सकते हैं किस तरीके से एक्सपैंड गई सिचुएशन राइट बेसिकली या अगर मैं कुछ समय पहली बात की पहले की बात करूं तो क्या थॉट था मॉडर्न बनाने की तरफ तो ऑरिजन सॉरी ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस कैन नॉट कैरी डिजिटल इंफॉर्मेशन तो जो टेलीफोन लाइंस है वो ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं कर पा रही थी प्रॉब्लम ठीक है बट क्योंकि टेलीफोन लाइन हर जगह बिछी हुई थी और कंप्यूटर कनेक्ट करना था डिवाइस तो ढूंढना था जिससे कि हम अपना जो डेटा है डिजिटल डेटा है वो क्या कर सके वो टेलीफोन लाइन से पास करा सके मतलब एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सके जो टेलीफोन लाइन को समझ में आ जाए और बेसिकली टेलीफोन लाइन जाए आगे और एक डिवाइस हो जो उसको इंटरचेंज भी कर सके कंप्यूटर को भी समझा सके तो यहाँ पे आया मॉडर्म सो अब मॉडर्म

किसको डिजिटल डेटा को मतलब को उसको कन्वर्ट करना है क्योंकि को वो समझ में आने the तो, वाले डिजिटल डेटा में भी रिकनवर्ट करने का काम करता है कौन मॉडर्म ही तो टेलीफोन लाइन से डेटा आया मतलब बेसिकली क्या कंप्यूटर कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन में डेटा डालने का जो काम है वो मॉडर्न का है। डिजिटल से एनोलॉग में कन्वर्जन फिर जो टेलीफोन लाइन डेटा जाएगा और वो टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर में वापस से डेटा डालने का काम है मॉडर्म का तो वो से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा डेटा ठीक है दिस शिफ्ट ऑफ डिजिटल डेटा डेटा एंड बैक अगेन अलाउस टू कंप्यूटर्स टू स्पीक विद वन अनदर एंड इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन डी मॉड्यन दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स इज हाउ द मॉडम रिसीड इट ने मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन पे ही नाम आया है मॉडर्म ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात का राइट right? तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है तो कहानी क्या है भाई ये क्या है आपका टेलीफोन सिग्नल है टेलीफोन पे कैरी हो रहा है डेटा ठीक है अब बेसिकली टेलीफोन से मतलब टेलीफोन लाइन जो एनालॉग डेटा कैरी कर रहा है उसको ये जो मॉडर्म है ये क्या है ये आपका ये मॉडर्म है अब बेसिकली ये जो मॉडर्म है ये क्या कर रहा है आपके जो एनालॉग सिग्नल है इसको डिजिटल सिग्नल में कन, कन, कन्वर्ट कर रहा है जो कंप्यूटर्स को समझ में आ सके ठीक है मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने का काम भी कर रहा है मॉडर्म ठीक है क्या कर रहा है टू डिजिटल कन्वर्ट करने का भी काम कर रहा है Modem. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस को हम क्या कहते हैं uh, से डिजिटल कन्वर्शन को क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं डी मॉड्यूलेशन क्या कहते हैं डी मॉड्यूलेशन जो हमने अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी भाई ठीक है यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ी थी मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन की है ना तो डी मॉड्यशन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑरिजिनल इन्फॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल फ्रॉम अ कैरियर वेव कैरियर वेव मतलब बैनलॉग सिग्नल में से आगे करो डिजिटल डेटा को निकाल रहे हो सो दैट इज डी मॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इन टू रेडियो वेव्स तो जब आप ये रिकनवर्जन करते हो बेसिकली जब आप ये रिकनवर्जन करते हो तो आप क्या कर रहे होते हो मॉड्यूलेशन कर रहे होते हो मॉड्यूलेशन कर रहे होते हो ठीक है अब बेसिकली क्या हुआ ये मोडम जुड़ के बना मोडम मतलब ये मोड एम ओ डी है ना और डी ई एम ई एम ठीक है दो डी हटा दिए तो फिर बना मॉडम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर ठीक है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर समझ में आया तो बेसिकली एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्जन डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्जन का काम करता है कौन आपका एनालॉग सॉरी मॉडम तो बेसिकली होने क्या वाला है एक्चुअली में तो होने ये वाला है सपोज ये आपके एक पीसी है ठीक है ये क्या है ये एक पीसी है आपका ये आपकी क्या है टेलीफोन लाइन है और यहाँ पे एक और पीसी है ठीक है अब बेसिकली क्या होता है कि इससे हम डेटा इसको नहीं समझा पा रहे थे क्योंकि इसको समझ में ही नहीं आता भाई वो डेटा तो सिंपल सी बात कैसे समझाएंगे तो हमने क्या किया हमने यहाँ पे लगाया एक डिवाइस जिसका नाम है मॉडम अब ये मॉडर्न बेसिकली करने क्या वाला है ये कंप्यूटर से डेटा लेगा डिजिटल डेटा लेगा और इस मॉडर्न की मदद से वो डेटा क्या होगा इस टेलीफोन लाइन में पुट हो जाएगा अब इस टेलीफोन लाइन से डेटा को आगे लेके जाया जाएगा अब ये डेटा टेलीफोन लाइन से आगे तो आ गया है अब होगा क्या कि इसको समझाना भी है तो बेसिकली यहाँ पर आप एक और मॉडर्न का यूज करते हो मॉडर्न का यूज़ करते हो अब ये मॉडर्न बेसिकली करता क्या है यहाँ से उठाता है अनलॉक सिग्नल और इस अनलॉक सिग्नल को यहाँ पर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको

समझ में आया सो दैट इज वॉट मॉडर्म इज डू अब जो सबसे पहला मॉडर्म है द फर्स्ट मॉडर्म वर डायलप सबसे पहले मॉडर्म को हम कहते थे डायलप सुना होगा आप लोगों ने नाम डायलप मीनिंग हार्ड टू फोन नंबर मतलब लिटरली उनको नंबर डायल करना पड़ता था फिर वहां से रिसीव होता था फिर आगे बढ़ती थी कहानी मीनिंग हार्ड टू फोन नंबर टू कनेक्ट टू एन आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दीज मॉडर्न ऑपरेटेड ओवर स्टैंडर्ड एनालॉग फोन लाइंस एंड यूज द सेम फ्रीक्वेंसीफोन कॉल्स टेलीफोन कॉल्स में जो फ्रीक्वेंसी यूज करते थे वही ये यूज कर रहे थे विच लिमिटेड मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट टू फिफ्टी सिक्स है ना डायल ऑल्सो रिक्वायर्ड फुल यूज ऑफ लोकल टेलीफोन लाइन मीनिंग वॉइस कॉल्स वुड इंटरप्ट द इंटरनेट कनेक्शन तो इनको जो है पूरा टेलीफोन लाइन की जरूरत थी तो अगर सपोज आपने इंटरनेट कनेक्शन उससे सेटअप कर रखा है किसी ने अगर सपोज कॉल लगा दिया तो उसकी वजह से नेटवर्क क्या होगा इंटरप्शन होने लग जाएगा बट इसके बाद फिर आए हमारे पास मॉडर्न सो मॉडर्न आर टिपिकली मॉडल और केबल मॉडर्म्स विच आर कंसिडर्ड ब्रॉड बैंड रखे हैं अब ब्रॉडबैंड होते हैं जो बैंड बढ़ा दे आपकी ठीक है बैंड विर्थ बढ़ा दे ठीक है तो वो होते हैं ब्रॉडबैंड डिवाइसेस ठीक है डीएसएल मॉडल ऑपरेट ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस बट यूज वाइडर फ्रीक्वेंसी तो ये भी वही स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस पे यूज करते हैं बट ये क्या वाइडर फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज करते हैं This allows for higher data transfer rates than dial-up modems and enable them to not इंटरफेयर विद टेलीफोन सॉरी फोन कॉल्स अब क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेंज बढ़ गई तो ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो पा रहा है तो डेटा ट्रांसफर का जो रेट है वो बढ़ गया हायर डेटा ट्रांसफर रेट्स आ गया और इवन क्योंकि जब आपके पास सर्विस ज्यादा लेन बड़ी हो गई तो सिंपल सी बात है यहां पर सिर्फ नेटवर्क छोड़ जाएगा आपका फोन भी चला जाएगा देखो सिंपल सी कहानी सपोज ये रोड है अब रोड में से एक इतनी बड़ी गाड़ी को निकल रहा है ठीक है तो इतनी बड़ी गाड़ी निकलेगी अब सपोज यहां से एक छोटी सी गाड़ी निकल रही है तो इस छोटी सी गाड़ी को ये गाड़ी डिस्टर्ब करेगी ना बड़ी वाली बट मैं अगर मैंने ये लेन ही बड़ी कर दी तो ये बड़ी सी गाड़ी निकले या छोटी सी गाड़ी यहां से निकले कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं ना ज्यादा से ज्यादा ट्रा, डेटा ट्रांसफर हो पाएगा वही सब कहानी समझ लीजिए बस यहाँ पे ठीक है केबल मॉडर्म सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर स्टैंडर्ड केबल टेलीविजन लाइन टिपिकली केबल्स तो बेसिकली ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये किस केबल पर हो रहा है ये हो रहा है को एक्जिल केबल्स पे अगर आपको याद हो तो ईथरनेट कनेक्शन हमने देखा था लैन में लोकल एरिया नेटवर्क में जिसमें हम क्या यूज कर रहे थे हम यूज कर रहे थे ट्विस्टेड पेयर केबल्स अब जो टेलीफोन लाइन में आप यूज करते हो वो क्या होते हैं को एक्ज केबल्स होते हैं अब बेसिकली केबल्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ रहे होंगे सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट ठीक है चलो इसमें अगर आगे बढ़े नेक्स्ट सो मॉडर्न कैन सही मॉडर्न कम इन टू वेराइटीज तो दो तरीके से मॉडर्न आता है देखो यहाँ से होता है कंफ्यूजन शुरू ठीक है क्योंकि मॉडर्न होता है बहुत बार कि आपके पीसी के अंदर ही फिट हो और बहुत बार होता है कि आपको एक अलग से बाहर डब्बे के फॉर्म में दिखता है और हाइब्रिड क्योंकि है इंटरनली फिट हो सकता है तो एक पर्टिकुलर डिवाइस में आप राउटर भी डाल दो मॉडर्न भी डाल दो ये कहानी भी पॉसिबल है

पीसी से केबल में डेटा डाल पा रहे हो सो असिम्प्लेक्स मॉडर्म कैन ट्रांसफर डेटा इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम डिजिटल डिवाइस टू नेटवर्क मतलब मॉड्यटर और नेटवर्क टू डिजिटल मतलब या तो आप पीसी से केबल पे डाल पाओ ठीक है या फिर ये suppose, है, ये सपोज पीसी पीसी है है आप केबल से क्या कर सको कंप्यूटर में डाल पाओ मतलब या तो आप कर सको या डिमॉड्यट कर सको सिर्फ एक ही काम कर सको ठीक है एक बार में एक ही काम कर सको तो उसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स ठीक है मतलब या तो ये सिर्फ इसमें डाल सकता है या फिर रिचीव कर सकता है तो सिंप्लेक्स हाफ हाफ डुप्लेक्स डुप्लेक्स क्या होता है अ हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसफर डेटा इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन एट अ टाइम अब बेसिकली इसी में अगर मैंने डबल एरो लगा दिया इसी में मैंने डबल एरो लगा दिया तो बेसिकली ये दोनों काम कर पा रहा है ये इस पे भी सेंड कर पा रहा है और रिसीव भी कर पा रहा है ये बीच में सेंड कर पा रहा है रिसीव कर पा रहा है तो इसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स बट फुल डुप्लेक्स अब फुल डुप्लेक्स मॉडर्न कैन ट्रांसमिट डेटा इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली अब अगर मैंने इस एरो को हटा के ये सिचुएशन कर दी कि ये इस तरीके से हो रहा है मतलब दोनों चीजें आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो तो उसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स ठीक है तो दोनों चीजें दो अलग अलग वायर्स यूज नहीं कर रहे हैं दो अलग हैं, दो अलग डिवाइसेज यूज नहीं कर रहे हैं बट दोनों काम एक ही डिवाइस से हो रहे हैं बट साइमल्टेनियसली हो पा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स ठीक है तो सिंपल सी बात सिंप्लेक्स मतलब या तो सिर्फ वो एक काम एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर कर सके पीसी से लाइन पे या लाइन से पीसी पे मतलब मॉड्यट कर सके या फिर डिमॉड्यट कर सके मतलब डिजिटल से एनलॉग कन्वर्ट कर सके एनोलॉग से डिजिटल कन्वर्ट कर, कर, कर सके एक ही काम कर सके तो उसको कहते हैं सिंप्लेक्स अगर वो दोनों काम कर सके बट दोनों साथ में ना कर सके एक बार में एक ही काम कर सके तो उसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है जो दोनों ही काम मतलब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग दोनों कन्वर्जन कर सके और साइमल्टेनियसली कर सके तो उसे कहते हैं फुल डुप्लिक्स ठीक है आई होप क्लियर हो चुका होगा राइट right? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ठीक है मोर यूजफुल इन कनेक्टिंग द इंटरनेट तो एडवांटेजेस इसके क्या है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये लैंड को लोकल एरिया नेटवर्क तो आपने कनेक्ट कर दिया पूरा आपस में इथरनेट की मदद से हब वगैरह की मदद से अब इससे आप इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वॉट विद द हेल्प ऑफ रीजन बींग क्योंकि यार देखो जब आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो बहुत बड़े नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हो तो बहुत बड़े नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने के लिए वो टेलीफोन लाइन से स्प्रेड है तो तब आपको जरूरत पड़ेगी कि आप डेटा को अपने क्या कर सको एनलॉग में कन्वर्ट कर सको एनलॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सको तो वो सीन है मतलब अगर आपको बहुत बड़े से लेन में डेटा ट्रांसफर करना है तो आप मॉडम का यूज कर रहे हो बट सपोज मुझे सिर्फ दो पीसीज में डेटा ट्रांसफर करना है जैसे so सपोज मैं कहता हूं कि ये एक पीसी है ये एक पीसी है ये दो पीसीज में मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो मैं सीधे सीधे इथेनेट केबल लगा दूंगा इसमें ठीक है इथनेट केबल मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल विद वॉट विद आर जे फोर्टी फाइव ये कनेक्ट कर दूंगा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा अब यहाँ पे कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है बेसिकली ये जो केबल है ये क्या कर पा रहा है ये डिजिटल सिग्नल को कैरी कर पा रहा है तो यहाँ से कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल इस वायर से कैरी हो रही है और फिर ये इस पीसी में चला जा रहा है कंप्लीटली कोई फाइन कोई दिक्कत नहीं है फाइन है ठीक है बट इनमें एनआईसी चिप्स लगी हुई है डेफिनेटली बट अगर सपोज मैं कहूँ कि एक पी तो ये रहा ठीक है एक पी ये रहा मेरा ठीक है एक पी ये रहा अब इतनी बड़ी मेरे पास इंथरनेट केबल तो है नहीं ठीक है ना वो इथरनेट केबल कहलाएगी के बट मेरे पास एक कहानी है कि मेरे पास ये टेलीफोन लाइन पास कर रही है जो पीसीज में नहीं है अभी टेलीफोन लाइन पास कर रही है तो अब अगर आपको इस टेलीफोन लाइन से इस पीसी को कनेक्ट करना है मतलब इन दोनों पीसीज को कनेक्ट करना है और आप इस टेलीफोन लाइन का यूज करने वाले हो तो यहां पर आप यूज करोगे मॉडर्म का तो मॉडर्म बेसिकली करेगा क्या आपके ये जो सिग्नल है ये इस क्या करेगा इस टेलीफोन लाइन पे डालेगा और फिर यहां पे आप एक मॉडर्म कनेक्ट कर दोगे तो बेसिकली वो क्या कर रहा होगा तो वो यहां से सिग्नल लेगा और पी में डाल देगा तो बेसिकली ये काम है आपके मॉडर्म का ठीक है स्पीड डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट अब कितने का आप मॉडर्म खरीद रहे हो मतलब अलग अलग टाइप्स के मॉडर्म्स uh, आते हैं बहुत अच्छे सुपीरियर मॉडल्स आते हैं कुछ काम चलाओ मॉडर्म्स आते हैं उस बेसिस पे आपकी स्पीड डिपेंड कर जाती है मॉडर्न इज प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज डेटा कम्युनिकेशन रोडवे तो मॉडर्न सबसे ज्यादा यूज होने वाला कम्युनिकेशन मीडिया है ठीक है इसके अलावा डिसएडवाटेज की बात करूं तो स्लो स्पीड वन कंपेयर टू हब अगर हब के रिस्पेक्ट में कंपेयर करूं तो स्लो स्पीड है क्योंकि हब तो सीधे सीधे ट्रांसमिट कर देगा डेटा कुछ चेक वेक नहीं करता सीधे सीधे ट्रांसमिट करता है आगे पढ़ेंगे हब के बारे में ठीक है तो उसके कंपैरिजन में डिसएडवांटेज इसका यह है कि यह स्लो है मॉडर्न ठीक है एप्स जस्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन लैन एंड इंटरनेट तो ये बिल्कुल सिर्फ इंटरफेस के तरीके से काम करता है ये कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं करता है इसके पास कुछ आ, सोचने की क्षमता नहीं है ठीक है इंटेलिजेंट वर्क नहीं कर सकता ये सिर्फ क्या करता है कन्वर्जन इंटरफेस का काम कर रहा है ठीक है ट्रांसलेटर का काम का 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 कर रहा है एनालॉग एनालॉग्स डिजिटल डिजिटल से एनालॉग सिर्फ ट्रांसलेटर का काम कर रहा है ठीक है नो ट्राफिक मेंटेनेंस इसमें कोई ट्राफिक मेंटेनेंस सिग्नल सिस्टम ही नहीं है क्योंकि ये इंटेलिजेंट नहीं है ये और डिवाइसेस के तरीके से नहीं है कि ट्रैफिक मेंटेन कर सके रूट कर सके उनको जिसमें राउटर की जरूरत पड़ती है तो वो सब काम क्योंकि ये नहीं कर सकता तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है जिसे। मतलब ये सिर्फ इंटरफेस का काम कर रहा है तो ये है कि आपका ये है पूरा भाई मॉडर्म आपका अब आगे आने वाले वीडियोज में हम और चीजें देखेंगे रिपीटर देखेंगे हब देखेंगे तो उनके बारे में जब आप समझ लोगे तो सारे डिवाइसेस के बारे में एक बार आप समझ लोगे फिर एक कंपेरिजन टेबल बनाएंगे लास्ट में उनके बीच में डिफरेंसेज जानेंगे कि क्या है ठीक है बट अगर वो डिफरेंसेस आपको जानने हैं तो उससे पहले आपको सारे डिवाइसेस पता होने चाहिए तो यू नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द वीडियोस ऑफ ऑल द डिवाइसेस जो भी मैं आगे आने वाला हूं ठीक है सो वेरी क्लीनली वेरी इन अ वेरी फोकस्ड वे वॉच ऑल द वीडियोज ठीक है तो अभी इस वीडियो में यहीं तक था जिसमें हमने मॉडर्न के बारे में बहुत चीजें जानी ठीक है अब आगे आने वाली में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे विच इज योर रिपीट इसमें अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज मन ब्रिज डॉट कॉम तो गूगल पर टाइप करना पूरा जब पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ दिस इज अर होम पेज यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यूनिट टू सेलेक्ट सीबीएसई के टू ट्वेल्थ मतलब किंडी गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम यहाँ आपके पास क्लासेस लिस्ट हो जाएंगी जिसमें से आपको क्लास ट्वेल्थ सेलेक्ट करना है तो क्लास ट्वेल्थ के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेट मैनेजमेंट आपको ऑफर करता है यूनिट टू स्क्रॉल डाउन यूनिट टू सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस क्लिक ऑन वॉच नाउ तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियो खुल जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पर आप क्लिक कर सकते हो उस चैप्टर की सारी वीडियो खुल जाएंगे किसी भी वीडियो पर क्लिक कर सकते हो वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन आपके पास इसके मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा वेदर इट बन टी एस सी ओलम्पियाड सी बी एस सी बोर्ड स्टेट बोर्ड एनसीआर बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें सब कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा इवन आपको नीट भी मिल जाएगा आई टी भी मिल जाएगा और ये सब कुछ मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यस यू हर्ड दैट वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ कंप्लीट कोर सेट की बात कर रहा हूँ कंप्लीट कोर सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोज राइट right? और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो अच्छी लग रही है प्लेलिस्ट पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो so हमारे साथ यानी कि मैग्रेट बेस कर जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किड गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच